हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो 14.51 पे काम कर रहा है। 5.68% का गेन देखने को मिल रहा है। नॉर्मली ऐसा होता था कि जब इंडिया विक्स के अंदर में गेन देखने को मिलता था तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिलता था, या अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में गेन है तो इंडिया विक्स में फॉल देखने को मिलता था। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन स्पेशली ऑन दी एक्सपायरी डे इसका उल्टा ही देखने को मिलता है, जहां पे इंडिया विक्स के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। निफ्टी लगभग 110 पॉइंट की बढ़त के साथ में डे हाई, या मैं ऐसा बोलूं लाइफ टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है 17,629 के आसपास में, और बैंक निफ्टी 37,668 पे क्लोज करता हुआ नजर आया, 800 पॉइंट्स कल के मुकाबले ज़्यादा। दो बैक टू बैक गुड न्यूज़ बैंक निफ्टी के लिए। एक तो डेफिनेटली जो आइडिया से रिलेटेड था आपका, या मैं ऐसा बोलूँ टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड था, उसके ऊपर न्यूज़ आया। दूसरा बैड बैंक के बारे में न्यूज़ आया, जिसने बैंक निफ्टी को डेफिनेटली फ्यूल कर दिया और उसकी वजह से अच्छा खासा गेन देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट पड़ा निफ्टी के अंदर में। आज के दिन में निफ्टी के अंदर में जो 110 पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आया है वो प्राइवेट बैंक की तरफ से आया हुआ है। एट द सेम टाइम आपको दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो पीएसयू बैंक की तरफ से मिलेगा। तीसरा कंट्रीब्यूशन आपको जो है वो एफएमसीजी कंपनी से आता हुआ नजर आ रहा है। सो ये तीन सेक्टर्स ने आज लगभग 110 पॉइंट से 100, ये तीनों सेक्टर को अगर मिला के देखें तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास में गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी फ्यूचर आपको थोड़ा डिस्काउंट में काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में बढ़िया बढ़त और ठीक ठाक, बढ़िया इन द सेंस जितना बैंक निफ्टी में आज गेन देखने को मिला उससे ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर में गेन देखने को मिला है। और ओवरऑल देखें तो अभी भी प्रीमियम में, ठीक ठाक प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में ट्रेड कौन सा हमने इनिशिएट किया था, पिछले कुछ दिनों में हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था उसके बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रैटेजी हमने इनिशिएट की हुई थी, ये कब की थी, हमने 9 सितंबर को की हुई थी, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस था वो 1550 के आसपास ही था, हमने इसे एक्सपायर होने दिया। अगर किसी भी तरह का ब्रेकआउट आता निफ्टी में तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होना था, ब्रेकआउट आया लॉस होते हुए नजर आया। इसके अलावा हमने कुछ ट्रेड्स इनिशिएट किया, जैसे आज के दिन में जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था लगभग वहाँ पे 6,450 रुपीज़ का प्रॉफिट होते हुए नजर आया। बेसिक क्राइटेरिया इसको लेने के लिए क्या था, लेस देन 10,000 आपके पास में कैपिटल होना चाहिए तभी आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था 38,000 का, वहाँ पे हमने कैपिटल यूज़ किया हुआ था, तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने नहीं लिया हुआ था, लेकिन यस यहाँ पे 1550 का लॉस हुआ, सो वी हैव मेंशन अबाउट दिस। और आज के ट्रेड में हमें 6,450 का प्रॉफिट हुआ, वो भी मेंशन किया हमने। और कल के ट्रेड में, यानी कल के दिन में जो ट्रेड इनिशिएट किया था, वहाँ पे भी हमें 2,400 का लॉस हुआ था। ओवरऑल अभी तक ये महीना थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हमने इनिशिएट नहीं किए थे, ट्रेडिंग वी हैव जस्ट स्टार्टेड फॉर दिस मंथ नाउ। सो 4,125 रुपीज़ का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर में। ओवरऑल अभी तक हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 7,74,000 के आसपास का प्रॉफिट किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। अभी तक का जो सक्सेस रेशियो इज अराउंड 73.46%। चलिए आगे बढ़ते, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आज का मूव आया है उस मूव के अंदर में FII का क्या पार्टिसिपेशन है। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज बेहतरीन क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने बेहतरीन क्लोजिंग दी है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? ऊपर के लेवल पे क्या डेटा किसी तरह का प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे अगले कुछ वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FII की पोजीशन के बारे में। लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ के आई हुई है कल के मुकाबले, जो कि 61.45% के आसपास है। अब ये डेटा अगर देखेंगे तो इस डेटा से एक चीज़ तो क्लियर कट दिख के आ रहा है कि जिस तरह से निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में मूव आया है, उस तरह से FII की पार्टिसिपेशन तो नहीं आई हुई है। सो ये मूवमेंट आ कहाँ से रहा है? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो पिछले दो दिन में बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी ये जो भी मूवमेंट है उसके पीछे रिटेलर्स का हाथ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप पूरा डेटा चेक करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पिछले हफ्ते में FII जो लास्ट महीने में जो पोजीशंस बनाई थी उसके एवरेज से भी नीचे काम कर रहा है, यानी हल्के होके पिछले हफ्ते FII ने काम किया हुआ है और मार्केट भाग गया है।
अब दो चीजें हो सकती है, एक या तो एफआईआई को ऐसा दिख रहा हो कि मार्केट करेक्शन दे सकता है, थोड़ा सा मुझे इस व्यू पे डाउट आ रहा है। क्यों डाउट आ रहा है? क्योंकि अगर आप पोजीशन देखेंगे एफआईआई की, तो एफआईआई ने जो पुट शॉर्ट कर रखा है, कल डेफिनेटली आज एक्सपायरी थी तो बहुत सारे पोजिशन कम किए गए हैं, पुट जो उसकी शॉर्ट पोजिशन थी वो काफी कम उन्होंने कम किया है, यानी कॉल ऑप्शन जो है उसका शॉर्ट के मुकाबले पुट ऑप्शन काफी ज्यादा है अभी भी। सो ये एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि मार्केट अभी भी या तो साइडवेज जा सकता है या तो ऊपर की तरफ जा सकता है। थोड़े इमीडिएटली किसी भी बड़े फॉल का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम लगाया जा रहा है। अब बाकी अगर मैं फ्यूचर्स के डेटा के बारे में बात करूं तो थर्सडे था, एक्सपायरी थी, तो उसके हिसाब से पोजिशन थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल ऐसा आप समझिए कि अगर आपको डिप मिल जावे तो बाय करना चाहिए। पुट कॉल रेशियो पे इसे ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डेरिवेटिव डेटा देख लीजिए और पार्टिसिपेशन देखिए, 235 करोड़ रुपीस का स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 235 करोड़ की खरीदारी है। स्टॉक फ्यूचर में 1878 करोड़ यानी 1880 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं। इफ यू लुक एट दिस स्टॉक्स नंबर, स्टॉक फ्यूचर कंटिन्यूसली आपको बिकवाली होते हुए नजर आ रहा है। ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर के लेवल से अभी भी एफआईआई इसका ऊपर के लेवल से ऐसा लग रहा है कि शायद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दो इंडेक्स के अंदर में आप पुट राइटिंग के अंदर में अभी भी ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, पुट राइटिंग के अंदर में अभी भी दिख रहा है, बट इवन देन इनका ये पर्टिकुलर डेटा देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में जिस तरह से बिकवाली इनकी कंटिन्यूसली और थमने का नाम नहीं रही है, एक बार शायद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें, 235 करोड़, 1875 करोड़ रुपीस, लगभग 1640 करोड़ के आसपास की बिकवाली, ओवरऑल बिकवाली नजर आ रही है। 1640 करोड़ की बिकवाली कम नहीं होती है, बट कैश मार्केट पे नजर डालिए, 1622 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में, 1622 करोड़ की खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। सो ये तो डेटा निल हो गया, 1614 1622, अगर इसके ऊपर में हम बहुत कुछ बात करने की कोशिश करें तो बहुत नहीं। सो एफआईआई का व्यू क्या बन के आना चाहिए? एफआईआई डेफिनेटली न्यूट्रल व्यू के साथ में आना चाहिए। डीआईआई कल के दिन में 168 करोड़ की खरीदारी थी, उसके एक दिन पहले 310 करोड़ की बिकवाली, फिर 560 करोड़ की बिकवाली, आज लगभग 800 करोड़ की बिकवाली आते हुए एफआईआई की तरफ से नजर आ रही है। निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.58 के आसपास में हो गया है, एंड पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में ये हाईएस्ट है 1.58। निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है, लाइफ टाइम आपका पुट कॉल रेशियो भी हाई साइड में है, स्टॉक जो आपके फ्यूचर्स है उसमें कंटिन्यूसली बिकवाली देखने को मिल रही है। कुछ ही इंडिकेशंस हो सकते हैं जो ऊपर के लेवल से एक बार प्रेशर क्रिएट करें, तो इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस होना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी 1.07 पे काम कर रहा है, इस साल बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी या कम टाइम पे ही देखा गया है जब बैंक निफ्टी 1 के ऊपर देखते हुए नजर आए, आप उसे उंगलियों पे भी गिन पाएंगे, इतने कम नंबर्स हैं। सो डेफिनेटली ये 1.20 वगैरह के आसपास में जाए तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी के ऊपर में भी वो इंपैक्ट डाल सकता है। तो ऊपर के लेवल पे एक बार रिस्क लेना बनता है, एक बार शॉर्ट करना बनता है। क्या ये ओवर ब्रॉड कंडीशन में है? डेफिनेटली नॉट, ओवर ब्रॉड कंडीशन में नहीं है, लेकिन उसके नजदीक पहुंच रहा है एक ऐसे लेवल पे, 1.60 1.70 एक ऐसा लेवल है जहां पे इस साल एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आवे। लेकिन जिस तरह से एफआईआई की पोजीशन यानी 60% के आसपास लॉन्ग है, हो सकता है कि इस गिरावट में एफआईआई का पार्टिसिपेशन आ जाए। सो जो कंडीशन, ओवरऑल कंडीशन आपके लिए समझ में आती है वो ये है, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यूज करिए। नीचे की तरफ अगर डिप मिले, यहां से 100-200 पॉइंट का डिप मिले, बाय कर लीजिए। ऊपर की तरफ अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऊपर की तरफ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, सो डीआईआई थोड़ा सा निगेटिव दिख रहे हैं, 800 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिख रही है। एफआईआई के बारे में बात करें, मैं न्यूट्रल भी बोलूंगा उनका। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें, पुट कॉल रेशियो कॉशियस व्यू दे रहा है, एंड एट द सेम टाइम अगर इंडिया विक्स के बारे में बात करें तो इंडिया विक्स लगभग 5.85% के आसपास में बढ़ के दिख रहा है, लेकिन जब तक वो 14.5-15 के नीचे काम कर रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर इंडिया विक्स में बढ़ता है थोड़ा सा कंसर्न तो बनता है, थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत पड़ती है मार्केट के ऊपर में। सो ओवरऑल ये डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात हो गया, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल पे नजर रखिए,
क्यों नजर रखना भारतीय एयरटेल, इस लेवल पे लेना है क्या? नहीं, मैं इस लेवल पे सजेस्ट नहीं करूंगा, 688 के आसपास में बाय करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर ये लेवल पे मिला नहीं तो 700 के आसपास में मिला तो बाय करना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इस स्टॉक को। क्यों? क्योंकि जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में काम हो रहा है, एक मजबूत स्टॉक जो निकल के आता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए वो भारतीय एयरटेल है। जियो भी है, नो डाउट इन दैट, लेकिन भारतीय एयरटेल एक स्ट्रांग है। अगर मैं भारतीय एयरटेल के बारे में बात करूं तो कुछ लोग के दिमाग के अंदर में शायद से आइडिया के बारे में बात चल रहा होगा। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो लीजिए आइडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आइडिया के अंदर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, आज 25% के आसपास का कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है उसके अंदर में। सो आइडिया के अंदर में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये समझ के चलिए कि वो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था, तो जिसके चलते हुए थोड़ा सा रिस्क टलते हुए नजर आ रहा है, रिस्क जाते हुए नजर नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। सो भारतीय एयरटेल स्ट्रांग है, अगर आइडिया को कुछ होता है, नेगेटिव न्यूज़ आता है तो भारतीय एयरटेल को फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए एक बार भारतीय एयरटेल को ऐड किया जा सकता है, 700 के लेवल्स के आसपास में ऐड करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऐसा स्टॉक जो स्टॉक में आज थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया है, सो मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, ITC 230 के आसपास की क्लोजिंग है इसकी, ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 239 के आसपास में है, अगर एक बार 239 के ऊपर टिकता है तो ज़्यादा चांसेस आप 267 तक जाएंगे। ये स्टॉक कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था लाइव सेशन के अंदर में भी, और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया हुआ था इसको जो ये वीडियोज डेली होते हैं उसके अंदर में भी, एंड इस स्टॉक के रीरेटिंग होने के चांसेस हैं आज कल परसों, 2 महीने 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब भी हो जाए, इन लेवल पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो इन लेवल्स के आसपास में इसे ऐड किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा एंड फ्यू स्टॉक जिसके ऊपर में हम नजर रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।